हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की वन लाइनर सीरीज के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पीएम एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और जो उनकी कैबिनेट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होती हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, ये कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, राइट? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी एंड नॉमिनल एग्जेक्टिव अथॉरिटी क्या होती है। अब इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट हम किसे कहते हैं, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा प्लस द राज्यसभा। अब जो इस तरह का सिस्टम होता है सरकार का, उसमें एक्चुअली में जो अथॉरिटी होती है वो होती है द प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन जो नॉमिनल एग्जेक्टिव अथॉरिटी, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, बीइंग समथिंग इन नेम बट नॉट इन रियलिटी, इसका मतलब है कि नाम के ऊपर तो सब कुछ द प्रेसिडेंट का ही है कि प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, प्रेसिडेंट का सब कुछ होता है, लेकिन एक्चुअल में जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल अथॉरिटी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, एंड नॉमिनल यानी नाम की एग्जेक्टिव अथॉरिटी किसके पास है, द प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति के पास। प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, राइट? सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय प्रेसिडेंट। ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, तो वो बोलता है आर्टिकल 75(1), राइट? दो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसी से रिलेटेड जो हम अभी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 74(1), पीएम इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है वो सब हम आज की वीडियो में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो तो नहीं है, वन लाइनर वीडियो है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज, जो आर्टिकल्स हैं आप सोच रहे होंगे आर्टिकल्स, तो देखिए वो मेनली आपके पार्लियामेंट सेक्शन में आते हैं, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो पार्लियामेंट के ऊपर रहेगी, तो उसमें एक पेज पे पूरे प्रॉपर तरीके से मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 78। ये क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, तो जब भी मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्लस उसमें पीएम बैठता है तो वहां पे प्रेसिडेंट नहीं आ सकता एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब उस मीटिंग में जो भी फैसले होते हैं इंपॉर्टेंट या कोई इंपॉर्टेंट बात है जो कि प्रेसिडेंट को पता होनी चाहिए, सो ये ड्यूटी रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी नहीं होती है कि अंदर क्या हुआ वो बाहर आके प्रेसिडेंट को बताएंगे, नहीं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटी होती है कि जो भी अंदर मीटिंग में डिस्कशन हुई है, कोई अगर इंपॉर्टेंट बात है वो आकर प्रेसिडेंट को बताई जाए। थर्ड हमारा पॉइंट आता है, पीएम शुड बी अ मेंबर ऑफ। अब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है नया नया, तो वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए या लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या दोनों का, किसी का नहीं, क्या हो, क्या सिस्टम होना चाहिए। सो ही कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ही शुड बिकम अ मेंबर विद इन 6 मंथ्स। इसका मतलब है कि जिस टाइम पे कोई पीएम बना, जरूरी नहीं वो किसी हाउस का पार्लियामेंट का मेंबर हो, एमपी हो, या फिर वो उनमें से किसी एक का एमपी हो, कंडीशन चाहे जो मर्जी हो, कोई भी इंसान पीएम बन सकता है। हाँ, प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन का सेट है वो फॉलो होना चाहिए। सेकेंडली, अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है प्राइम मिनिस्टर, तो अपॉइंटमेंट होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी हाउस का मेंबर बनना है, या लोकसभा का या राज्यसभा का, बट बनना ही है। ठीक है जी, अब आज तक ना जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे बने हैं मैक्सिमम सभी लोकसभा के ही मेंबर थे, सिर्फ 4 ऐसे थे जो राज्यसभा के मेंबर थे। अब वो 4 कौन थे वो हम इसी पेज के लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो वहां डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है मिनिमम एज। अब अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े होना है इलेक्शन के लिए तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, है ना? सो 25 ईयर्स, द सेम एज दैट ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जितनी एज चाहिए एमपी बनने के लिए, उतनी ही एज चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। फाइन, फिफ्थ पॉइंट आता है दैट प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ, जैसे हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं ना दैट ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वैसे ही पीएम जो है वो चेयरमैन होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक तो इसमें नीति आयोग भी आता है, वो इसमें लिखा नहीं, नीति आयोग आप लिखिएगा। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। इन सब के जो चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है जी, अब आगे आगे छोटे छोटे क्वेश्चंस फटाफट से डिस्कस करते हैं इन्हें। सिक्स्थ पॉइंट आता है, ओथ टू प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय।
ओथ यानी शपथ जो है प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है। अपॉइंट भी यही करता है, ऊपर हमने पढ़ा अंडर आर्टिकल 75(1). सेवन्थ पॉइंट आता है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय, जो सैलरीज होती हैं अलाउंसेस होते हैं मिनिस्टर्स के, वो कौन डिटरमाइन करता है? तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो डिटरमाइन करती है, राइट। एट पॉइंट है, आर्टिकल दैट मेंशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें आपको मेंशन मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो है आर्टिकल 352। किससे जुड़ा हुआ है आर्टिकल 352? नेशनल इमरजेंसी से। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंशन है इस आर्टिकल के अंडर, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट ऐड किया गया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसके अंडर ये वर्ड जो है आर्टिकल 352 में ऐड किया गया था। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जरूरी नहीं किसी भी हाउस का मेंबर हो, लेकिन अगर वो नहीं है तो विद इन 6 मंथ्स उसे किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है बाय कन्वेंशन पीएम जनरली बिलोंग्स टू लोकसभा। अब प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा को बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन अब ये के कंसेप्ट मैंने आपको बताया, लेकिन 4 ऐसे मेंबर्स रहे हैं जो राज्यसभा के एमपी थे लेकिन फिर बाद में पीएम बने हैं। कौन कौन है? आई के गुजराल 1997, इंदिरा गांधी 1966, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004, एच डी देवे गोवड़ा 1996। अब इसमें सबसे पहले देखिए कौन बने थे, तो इंदिरा गांधी पहली राज्यसभा मेंबर थी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी, क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। एंड मोस्ट रिसेंट कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पेज पे तो हमने सिर्फ वन लाइनर्स ही पढ़े है ना, आगे चल के हम थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पहले सीएम या ओल्डेस्ट सीएम, सॉरी ओल्डेस्ट पीएम कौन रहे इंडिया के, यंगेस्ट पीएम कौन रहे, पहले ऐसे पीएम हु डाइड इन ऑफिस, पहले ऐसे पीएम हु वाज असैसिनेटेड, इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। 10th पॉइंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेस। अब देखिए हमने बात की थी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो अब अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट नहीं पता है, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 चीजें आती हैं, टाइप्स नहीं है इसके, 3 आते हैं मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। अब कौन से क्या होते हैं देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं हु हैंडल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज ऑफ गवर्नमेंट। अब कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं वो लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना पोर्टफोलियो संभालते हैं, पोर्टफोलियोज मतलब जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गया, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो मिनिस्टर्स इनको संभालते हैं उन्हें बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है जी। अब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, तो वही है ये, राइट। नेक्स्ट आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये कौन होती है? इधर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज और अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर। अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वो होते हैं, या तो इनको कोई डिपार्टमेंट कोई मिनिस्ट्री अलग से दे दी जाती है, या फिर ये अटैच रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ही और उनके साथ में वर्क करते हैं, ठीक है। थर्ड आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, तो इनको कभी भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, दीज आर जनरली अटैच्ड विद रेस्ट टू, क्या सुना हमने डिप्टी मिनिस्टर्स या डिप्टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन, तो क्या होता है कि वो चेयरमैन से छोटा होता है वाइस चेयरमैन, है ना, एक पद। तो वैसे ये डिप्टी मिनिस्टर्स या तो इनके अंडर वर्क करेंगे या इनके अंडर वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो बोलते ना कैबिनेट बैठी है तो ये वाले मिनिस्टर्स बैठती हैं, साथ में पीएम बैठता है और इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन की जाती है, ठीक है जी। 11th पॉइंट आता है, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड एज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। अब स्टेट को एक जहाज जैसा माना गया है, तो उसका कैप्टन कौन माना गया है? प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअली में एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? मुनरो ने दी है, तो आपने याद रखना है कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ स्टेट मुनरो ने कहा है, ठीक है जी। 12th पॉइंट आता है, टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो हम बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए कार्यरत है, 5 साल उनका टेन्योर है, नहीं वो सही नहीं है, वो तो हम देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं जब पता नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है वो है ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, ठीक है जी। 13th पॉइंट आता है, हायरार्की ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हायरार्की समझते हैं, जैसे घर में होता है ना सबसे ज्यादा फादर की चलती है, फिर मदर की चलती है, फिर हमारी चलती है, फिर हमारे छोटे भाई की चलती है, एक हायरार्की सीक्वेंस होता है ना, अगर दादा दादी है तो दादा दादी की ज्यादा चलती है, फिर पापा की चलती है, एक सीक्वेंस होता है ना,
वैसे ही कौन हाईएस्ट है, लोएस्ट लोएस्ट, वैसे भी एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हायरार्की। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है हेड, ठीक है, टॉप पे, उसके अंडर आते हैं, मतलब उसे छोटे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनसे छोटे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, उससे छोटे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक याद करना ईजी है, हमने ऊपर बड़े अच्छे से पढ़ा। लास्ट में आ जाते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये कौन बनते हैं जो आईएएस का एग्जाम क्लियर करते हैं, डायरेक्टली नहीं बनते, बट ऐसा होता है ना कि जो बीस अटैम्प्ट अपनी जल्दी से 21 साल की एज होती है तो 21 साल में ही अपना अटैम्प्ट दे देते हैं, 19-18 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, 21 में अटैम्प्ट देते हैं और एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो इस केस में जो वो सर्विसेज में जाते हैं, आईएएस वगैरह में जाते हैं, तो वो उनका ये रहता है ना कि प्रमोशन ज़्यादा होगी, अगर आप कम एज में पहुंच रहे हो बड़ी पोस्ट पे तो आपकी प्रमोशन ज़्यादा होगी, 58 तक काफ़ी टाइम रहता है, तो वो लोग जो है सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आईएएस वगैरह आते हैं जो यूपीएससी क्लियर करती हैं। आगे आता है हमारा 14th पॉइंट, टाइप्स ऑफ कैबिनेट कमेटीज इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें कितनी तरह की कमेटीज होती हैं, कैबिनेट कमेटीज दो तरह की होती हैं, स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमेटीज, फाइन। 15th पॉइंट आता है द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स रिशफल्ड एंड एलोकेटेड बाय। अब कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कौन से मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री देनी है, किसे डिफेंस मिनिस्ट्री देनी है, किसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देनी है, किसे फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है, ये सारा काम प्लस रीशफलिंग, कि नहीं आपको होम मिनिस्ट्री नहीं, आपको आपसे फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाएगी, तो ये जो रीशफलिंग का काम है प्लस एलोकेशन का काम है कौन करता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट अगेन एक स्टेटमेंट है, जैसे हमने कैप्टन ऑफ द शिप वाला पढ़ा ना, मुनरो ने कहा है, वैसे एक और स्टेटमेंट है दैट द गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ कंट्री एंड पीएम इज द मास्टर ऑफ गवर्नमेंट। कंट्री के मास्टर है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का मास्टर है पीएम, इस तरह से आप याद सकते हैं, पीएम है मास्टर गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट है मास्टर कंट्री की, है ना। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, एचआरजी ग्रीव्स की है, फाइन। 17th पॉइंट देखिए, सो द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर। ये समझने वाली बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है, टेन्योर पूरा होने से पहले एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, इट डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कॉम है हमारी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, डिजॉल्व हो जाती है, जिसका मतलब है कि जिसके पास होम मिनिस्ट्री है छूट जाएगी, जिसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है छूट जाएगी। अब एक और इसमें उल्टा केस आता है, एग्जामिनर आजकल कैसा क्वेश्चन पूछता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, कैबिनेट मिनिस्टर्स में किसी की डेथ हो जाती है तो क्या डिसॉल्व हो जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, एक मिनिस्टर की डेथ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड है पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो उसकी डेथ हो जाती है तो ये डिसॉल्व होती है। एक आधे मिनिस्टर की या कितने भी मिनिस्टर्स की डेथ हो जाओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पोस्ट खाली होती है, उसको प्राइम मिनिस्टर किसी और को दे देता है, ठीक है जी। अब देखिए, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी कुछ पढ़ना है और उसके लिए अभी हमें आगे डिस्कस करना पड़ेगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है इवन, जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर के, ओल्डेस्ट यंगेस्ट, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें, ठीक है। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो हमें पता है पहले प्रधानमंत्री रहे हैं भारत देश के, बट ही डाइड इन ऑफिस। डाइड इन ऑफिस का मतलब है कि अपने कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हुई थी। तो क्वेश्चन आए, हु वाज द फर्स्ट पीएम टू डाई इन ऑफिस, सो ही वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ 17 ईयर्स, 17 सालों का सबसे लंबा टेन्योर है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है जी। सेकंड आते हैं गुलजारी लाल नंदा, फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या फिर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अभी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में किसी को प्राइम मिनिस्टर का सारा काम और पूरी गद्दी दे दी जाती है, जो भी काम है कार्यभार है वो संभालेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट वो एक्ट करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर सम टाइम, फॉर सम ड्यूरेशन। वो बने थे गुलजारी लाल नंदा, पहले एक्टिंग पीएम इंडिया के, ठीक है। फिर आती है लाल बहादुर शास्त्री, ही इज द ओनली पीएम टू डाई अब्रॉड ड्यूरिंग एन ऑफिशियल टूर। हुआ क्या था, ये इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर डेथ हुई थी जब वो ऑफिशियल टूर पे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंदिरा गांधी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया, पहली महिला प्रधानमंत्री रही इंडिया की, एंड फर्स्ट राज्यसभा मेंबर हु बिकेम पीएम। मैंने आपको बताया ना इसमें कौन कौन आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं, दिव्य गोवड़ा आते हैं, उसके बाद आई के गुजराल आते हैं, इंदिरा गांधी आती हैं, लेकिन जो इंदिरा गांधी थी वो पहली राज्यसभा मेंबर थी जो प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंची थी। प्लस एक और चीज यहाँ पे छूटी है, मैंने यहाँ पे लिखी है शी इज द फर्स्ट पीएम टू बी असैसिनेटेड, पहली ऐसी प्रधानमंत्री है जिनका मर्डर करवाया गया है, ठीक है।
फिर आते हैं मोरारजी देसाई. ही वॉज द ओल्डेस्ट पीएम, यानी सबसे बूढ़े प्राइम मिनिस्टर थे 81 ईयर्स के. फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, अपने ऑफिस से रिजाइन करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे. एंड फर्स्ट सीएम टू बिकम पीएम, पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, जो प्रधानमंत्री बने थे. ठीक है, अब तो नरेंद्र मोदी जी वो भी सीएम रह चुके हैं, अब पीएम बने हैं ना, वो हम आगे पढ़ेंगे. फिर आते हैं राजीव गांधी, यंगेस्ट पीएम, यंग सबसे यंग पीएम थे सिर्फ 40 ईयर्स के, है ना. वीपी सिंह, फर्स्ट पीएम टू स्टेप डाउन आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट पास किया गया था, इसलिए इन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा था. पीएम नरसिम्हा राव, फर्स्ट पीएम फ्रॉम सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत से पहले पीएम. अटल बिहारी वाजपेयी, शॉर्टेस्ट टेन्योर, सबसे कम टेन्योर, आई थिंक 14-15-13 दिनों का इनका टेन्योर था. फिर आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर, पहले सिख जो प्रधानमंत्री बने वो थे ये. एंड लॉन्गेस्ट टेन्योर आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 17 ईयर्स का टेन्योर था और इनका उनके बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा, सबसे लंबा टेन्योर था. फिर आते हैं नरेंद्र मोदी जी. अब नरेंद्र मोदी जी राइट नाउ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के. सो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जिनका बर्थ हुआ वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं. एंड ऑल्सो सर्वड एज सीएम, सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के. ठीक है, किसी स्टेट के सीएम भी रह चुके हैं. पहले ऐसे कौन थे जो पहले सीएम भी रह चुके हैं और उसके बाद में पीएम बने थे? मोरारजी देसाई. एंड सेकंड कौन है? नरेंद्र मोदी जी. अब देखिए, इसी के साथ हमारे फैक्ट्स तो कंप्लीट हो गए, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, लास्ट पॉइंट है, इसे डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, 18th पॉइंट हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट लिमिटेड द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम टू 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल. बड़ी लंबी स्टेटमेंट है, क्या बात यहाँ पे हो रही है. ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने ये डिसाइड किया कि पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये रहेंगे 15% ऑफ टोटल लोकसभा. फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में 100 एमपीज हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर होंगे सिर्फ 15%. 100 का 15% क्या हुआ? 15. अगर 200 है तो 30, अगर 300 है तो 60, है ना. इस तरह से रहेगा कि 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा इसको. ठीक है, अब ये जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एड किया गया था, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2003 में उसके अंडर. ठीक है जी, अब देखिए, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. इसी के साथ मेरे हैंडरिटन नोट्स अवेलेबल हैं परचेज करने के लिए, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां पर जाकर आप सब कुछ देख सकती हैं. राइट, चलिए आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे. एक्चुअली मैं पार्लियामेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं, तो दो पार्ट्स में मैं पार्लियामेंट को कवर करूंगी, अदरवाइज एक वीडियो ही काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा. दो पार्ट्स में आएगी आपकी पार्लियामेंट और फिर हम आगे इसमें मूव ऑन कर जाएंगे. ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स इट एंड सी यू सून.